हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फोवाइट कोचिंग सेंटर। मैं विशाल गौड़। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल स्टडी करेंगे। चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे लिखा है द इक्वेशंस डील विथ लीनियर एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल आर नोन एज लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इसका मतलब ये हुआ द इक्वेशन, वो इक्वेशन जो लीनियर एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल के साथ डील करते हैं, हम उन्हें लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि लीनियर एक्सप्रेशन क्या होते हैं। तो लीनियर एक्सप्रेशन वो होते हैं जो कि हमारे वेरिएबल के पावर होते हैं। अगर हमारे वेरिएबल के पावर वन है तो हम उन्हें लीनियर एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे, हमने लिखा है 2x-3=7। तो यहाँ पे देख रहे हैं, x^1 है जो कि हमारा मैक्सिमम पावर है, तो यहाँ पे आप लीनियर एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। और यहाँ पे कुछ हम देखेंगे जैसे कि वेरिएबल क्या होते हैं, इक्वालिटी और इक्वेशन। जैसे कि हमने लिखा है 2x-3=7, तो यहाँ पे आपका x जो है वो वेरिएबल है और ये इक्वालिटी का साइन है, और ये होल हम लिखे हैं 2x-3=7, ये हमारा इक्वेशन है। नाउ अब यहाँ पे हमने कुछ नोट डाले हैं, 2x-3 जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड है तो हमने वहाँ पे डिनोट कर दिया है, और जो 7 है वो हमारा राइट हैंड साइड है उसे भी हमने डिनोट कर दिया है। नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो जैसा कि हमने कुछ इसके बारे में भी लिखा है, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल ओनली फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल आर नोन एज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सप्रेशन का वैल्यू होगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, वो किसी सर्टेन वैल्यू के लिए इक्वल होगा, तो वो होगा हमारा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। हम इसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने लिखा है 2x-3=7। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पे अगर एक्स के जगह पे 5 पुट करते हैं तो हमारा जो RHS है वो LHS के इक्वल हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा 5 जो है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है। नाउ अब हमारा नेक्स्ट है सॉल्विंग इक्वेशन विच है लीनियर एक्सप्रेशन ऑन वन साइड एंड नंबर्स ऑन अदर साइड। मतलब जो लीनियर एक्सप्रेशन है वो वन साइड होगा और जो हमारा नंबर होगा वो अदर साइड होगा। तो हमें इसे भी एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि हमने सेम एग्जांपल लिया है 2x-3=7, तो इसको हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड है अगर हम इसको ऐड करें 3 टू बोथ साइड, तो हमारा इक्वेशन है 2x-3=7, हम 3 दोनों साइड ऐड कर देते हैं। तो हमने लिखा है 2x-3+3=7+3। नाउ हम सिंपल इसमें ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 2x-2x=10। नाउ अब हमारा स्टेप 2 है डिवाइड बोथ साइड बाय 2। अब हम बोथ साइड 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा x=5, जो कि हमारे इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। नाउ अब हम देखेंगे सेकंड मेथड कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने वही इक्वेशन सेम लिया हुआ 2x-3=7। अब इसमें भी हम स्टेप 1 से देखते हैं, तो इसमें हम ट्रांसपोज 3 टू RHS, मतलब राइट हैंड साइड, मतलब जो यहाँ पे 3 है आपका कॉन्स्टेंट, हम उसे RHS की तरफ ट्रांसपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2x=7, 3 जब इधर जाएगा इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड तो उसका साइन अपोजिट हो जाता है, यानी चेंज हो जाता है, तो हमने माइनस था यहाँ पे प्लस ले लिया। अब 2x=10 हो गया जब हम इसे स्टेप 2 पे रखते हैं डिवाइड बोथ साइड बाई 2। अब यहाँ पे भी हम सेम वही फर्स्ट वाले प्रोसेस में जो स्टेप 2 करते थे वही यहाँ पे भी करेंगे। जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा x का वैल्यू 5, जो कि हमारे इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो आपने देखा हमने दोनों मेथड से यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिया है। नाउ अब हम चेक करते हैं कि जो हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू आया सॉल्यूशन वो क्या ट्रू है और फॉल्स है। तो इसे चेक करने के लिए हमें जो हमारी x की वैल्यू आई है उसे हम इक्वेशन में पुट करते हैं। तो हमारा इक्वेशन है 2x-3=7 और हमारा जो x का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वो है 5। नाउ हम इसे अब इक्वेशन में पुट करते हैं 2 × 5-3=7। अब हम
5 × 10 मल्टीप्लाई किए माइनस 3 इज इक्वल टू 7, 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 7। हियर LHS जो है हमारे RHS के इक्वल आ जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ जो x का वैल्यू आया है 5 वो हमारे इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, जो कि हमने यहाँ पे आपको चेक करके बता दिया है। नाउ अब हम कुछ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्विंग इक्वेशन हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ साइड। यहाँ पे लिखा है वेरिएबल ऑन बोथ साइड, तो अब हम इसे देखते हैं वेरिएबल ऑन बोथ साइड। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने इक्वेशन लिया है 5t-3 is equals to 3t-5। तो यहाँ पे हमने जो वेरिएबल लिया वो t के टर्म में लिया है ना, हम इसे देखते हैं। तो हमने लिया है 5t-3t is equals to 3t-5। अब हम यही किसी भी मेथड से आप चाहे तो कर सकते हैं, हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म मेथड फॉलो किया है। तो हमने 5t इधर ही रखा और 3t को हमने लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर लिया। तो यहाँ पे मैंने साइज चेंज करके -3t लिख दिया और यहाँ पे -5 वैसे ही है और 3 इधर जाके प्लस हो जाएगा। अब हम सिंपल सॉल्व करेंगे तो 2t बराबर -2 आएगा। अब t की वैल्यू हमारी आ जाती है वो है -1। तो हमने ये दोनों मेथड सॉल्व कर लिए, एक तो है हमारा जो इक्वेशन हैविंग वेरिएबल ऑन वन साइड और ये दूसरा है हमारा इक्वेशन हैविंग वेरिएबल ऑन बोथ साइड। नाउ अब हम कुछ इस पे क्वेश्चन देखेंगे जो कैसे सॉल्व करते हैं। नाउ हमारा पहला क्वेश्चन है 3/7 + x = 17/7। इसमें हमने वेरिएबल एक ही लिया है और एक ही साइड हमारा वेरिएबल है, तो हमने यहाँ पे सिंपली ट्रांसपोज मेथड सॉल्व किया है। हमने 17/7 को LHS ट्रांसपोज कर दिया है, तो सिंपली 3/7 - 17/7 इज इक्वल टू, जब x RHS की तरफ जाएगा तो -x हो जाएगा। तो अब हम इसको सिंपल सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा -2 इज इक्वल टू -x। तो यहाँ पे हम दोनों साइड माइनस कॉमन ले लेंगे या दोनों साइड माइनस से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो x का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 2, जो कि रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। अगर आप चाहें तो इसे इसके इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं, जो कि हमने आपको प्रोसेस बता दिया है। नाउ अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.6 इज इक्वल टू y/1/5। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें घुमाने के लिए क्वेश्चन को पॉइंट में दे दिया है, बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि पॉइंट कैसे सॉल्व होगा और कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। तो इसके दो मेथड है, सिंपल हम दोनों मेथड बताएंगे। तो पहले तो आप चाहें तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1/6 × 1/5 = y। तो सिंपल जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 2.40। तो आप जानते हैं कि पॉइंट के अगर राइट हैंड साइड जीरो होता है नंबर के बाद तो हम उसे डिनोट नहीं करते हैं, तो हमारा जो y का वैल्यू आ गया वो है 2.4। नाउ अब हम दूसरा मेथड देखते हैं। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे 1.6 है = y/1.5 है, तो आप इसे पॉइंट हटा के अपॉन में फ्रैक्शन में कर लीजिए। तो हमने यहाँ पे देखिए पॉइंट हटा के 16/10 = y/15/10। अब इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 16/10 = 10y/15। सिमिलरली आप अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा 10y = 16×15/10। अब हम इसे जब कट करेंगे तो हमारा जो y का वैल्यू आएगा वो आएगा 2.4, जो कि हमारा पहले मेथड से भी सेम आया। तो आप इसे भी इक्वेशन में पुट करके चेक कर सकते हैं। नाउ अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x/3+1 = 7/15। सेम मेथड वही, आप एलसीएम हमने इसलिए ले लिया है डायरेक्टली, और जब एलसीएम लेके हम इसे सॉल्व करेंगे तो जैसा कि आप देख रहे हैं x+3 = 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए 21/15 हो गया। अब हम इसे कट कर देंगे तो आएगा 7/5। नाउ x यहाँ पे रहने देंगे और 3 को हमारे से ट्रांसपोज कर देंगे। अगेन हम एलसीएम ले लेंगे तो हम जब इसमें सॉल्व करेंगे तो हमारा x का वैल्यू निकल के आएगा -8/5। सिमिलरली हम इसे अल्टरनेट मेथड से कर सकते हैं, जैसा कि देखिए x/3+1 = 7/15 है, तो हम x/3 को यहीं रहने देते हैं और 1 को राइट हैंड ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। तो x/3 = 7 - 15/15 आया। अब फिर हम जब इसे सॉल्व करेंगे और x को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे x = आ जाएगा 3 × -8/15। जब इसे हम 3 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, तो हमारा वैल्यू आ रहा है -8/5, जो कि हमारे पहले मेथड से भी सेम आ रहा है। इसका मतलब
हमारे दोनों मेथड सही है। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि वेरिएबल आर राइट हैंड साइड भी है और लेफ्ट हैंड साइड भी है, तो अब इसे भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिया है 5t-3 = 3t-5। तो यहाँ पे भी सेम वही मेथड है, आप ट्रांसपोज कर दीजिए। हमने 5t = 3t लिखा है, -5 और -3 को उधर ट्रांसपोज कर दिया है, और नेक्स्ट प्रोसेस में हमने 3t को भी लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दिया। तो हमारा जो वैल्यू आएगा जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2t = -2 आएगा। तो हमारा जो t का वैल्यू आ जाएगा वो आएगा -1। आप इसे इक्वेशन में पुट करके चेक कर सकते हैं। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8x + 4 = 3 (x-1 + 7)। तो इसमें भी कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, बस यहाँ पे ब्रैकेट लगा के आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो आप यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करिए तो हमारा वैल्यू आएगा 8x + 4 = 3x-3 + 7। तो आप अगेन ट्रांसपोज मेथड यूज करेंगे, हमारा आ जाएगा 8x - 3x + 4 = -3 + 7। तो जब सिंपल हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 8x - 3 = -3 + 7 - 4, जो कि सॉल्व करने पे हमारा वैल्यू आ रहा है 0। तो इसका मतलब x की वैल्यू जो आ रही है हमारी 0 आ रही है। नाउ अगेन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x = 4/5 x + 10। नाउ इसमें भी कोई भी आप मेथड यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, जो कि जब 5 से x मल्टीप्लाई 5x हो जाएगा (=4)(x + 10), अगेन हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5x = 4x + 40 हो जाएगा। नाउ सिंपली ट्रांसपोज कर दिया मैंने 4x को लेफ्ट हैंड साइड, तो 5x - 4x = 40 हो गया। 5 - 4 = x, x = 40 आ गया, जो कि हमने सॉल्व कर दिया है। नाउ अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2y + 5/3 = 26/3 - y। ये भी सेम वैसे ही है, बस आपको एलसीएम लेने में ध्यान देना होगा, छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारा मिस्टेक हो जाता है। तो इसमें भी हमने क्या किया है, y को LHS ट्रांसपोज कर दिया है और 5/3 को RHS ट्रांसपोज कर दिया है। फिर सिंपली हमने यहाँ पे सम और सब्सट्रैक्शन कर दिया है, तो हमारा वैल्यू है 3y = 21/3, जो कि 3 7 21 से कटेगा। उसके बाद हमने 3 को डिवाइड कर दिया, तो y की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी वो आएगी 7/3। नाउ इसे आप चाहें तो वैल्यू इक्वेशन में पुट करके चेक कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3m = 5m - 8/5। तो इसमें हमने जो वेरिएबल लिया वो m के टर्म में है। अब हम सिंपल इसमें भी 5m को LHS ट्रांसफर कर दिए, तो 3m - 5m = -8/5 हो गया। हम इसे सॉल्व किए तो हमारा वैल्यू आया -2m = -8/5। नाउ अब हमारा m का जो वैल्यू आया वो आया 8/5 × -1/2। सिंपल जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा और 2 4 8 कैंसिल हो जाएगा, m की जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 4/5। तो जैसा कि हमने यहाँ पे दोनों साइड वेरिएबल रख के वैल्यू सॉल्व कर लिया है। अब अगर आप इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।